वेलकम टू लाइफ विद साई माइंड सोनिया। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जर्दा। जर्दा बनाने के लिए जो अज्जा हमें दरकार है वो ये हैं। दो ग्लास चावल लिए हैं मैंने, चावलों को मैंने भिगो लिया है। डेढ़ ग्लास मैंने चीनी ली है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो जितनी आपके पास चावलों की मकदार है उतनी ही आप चीनी ले सकते हैं। फूड कलर लिया है मैंने, एक कप मेरे पास ऑयल है, 8 अदरक इलायची है, बादाम जितने आप डालने चाहे डाल सकते हैं और खोपड़ा। पानी मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी चूंकि बॉईल हो रहा है अब हम इसमें डालेंगे फूड कलर। पानी चूंकि हमारा बॉईल हो रहा है अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल डालने के बाद चावलों को 90% तक पकने दें, इनको पूरी तरह आपने गलाना नहीं। चावल हमारे 90% तक गल गए हैं, अब हम इसमें से उतारेंगे पानी। सबसे पहले बर्तन में हम डालेंगे ऑयल। ऑयल के बाद डाल देंगे हम चीनी। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी। इलायची भी डाल देंगे इसमें। अब इसकी चाशनी बनाएंगे। चाशनी को आपने ओवर कुक नहीं करना, जब चीनी अच्छी तरह इसमें से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें चावल डाल दें। अगर आप इसको ओवर कुक करेंगे तो आपके चावल बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। अभी चूंकि चीनी मिक्स नहीं हुई इसलिए अभी तक चाशनी तैयार नहीं हुई। चीनी को अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लें पहले। चाशनी हमारी बिल्कुल तैयार है, अब हम इसमें डालेंगे चावल। चावल चाशनी में मिक्स करने के बाद आप इसको तकरीबन 4 मिनट तक पका लें, क्योंकि जो इसमें पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे खोपड़ा और बादाम। आप इसमें चाहे ड्राई फ्रूट में जो डालना चाहे पिस्ता, बादाम, अखरोट डाल सकते हैं। मैं चूँकि बच्चों के लिए बना रही हूँ वो ये सारी चीज़ें अलहदा कर देते हैं, इसलिए मैंने ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो कम डाले। अब इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए दम लगा रहने दें। चावल हमारे बिल्कुल तैयार हैं, अब हम करेंगे डिश आउट। चावलों को हमने कर लिया है डिश आउट। अब आप इसको घर में खुद बना के खाना चाहें खुद बना के खा लें, अगर आप मेहमानों के सामने पेश करना चाहें तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको रेसिपी बताई है इसी तरीके से बना के आप उनको खिलाएं। मेरी रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसे बने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।